press the bell icon for all the updates. आप सबके लिए दीपिका हूँ, मैं आप सबके लिए दीपिका रहूंगी। वो बहुत पर्सनल है तो मैं उस स्पेस में और किसी को एंटर करवाना नहीं चाहती। एक निगाह में एक अलग ही तासीर होती है। पॉजिटिव लोग नेगेटिव लोग की कुछ अलग नहीं लग रहा है, मतलब एक अलग ही तासीर होती है वो कबूले कबूले वाला मोमेंट। हाँ तो हाँ, कुछ लाइफ बदल सी गई है ऐसा लग रहा है, और ज्यादा इनसे प्यार हो गया है। बाकी की बातें पता चलेगा। ओके, दीपिका सबसे ज्यादा खूबसूरत कभी लगी थी, निकाह के वक्त या अभी? दीपिका सबसे ज्यादा खूबसूरत तो मुझे 5 साल पहले लगी थी जब मेरा दिल इन पे आया था, लेकिन हाँ माशाल्लाह निकाह वाले दिन ये बिखरता जा रहा है। एक परी की तरह, एक एंजल, एक फरिश्ता। ये ऐसे में बड़ा मतलब ही टेक्स अवे द केक, सो आई जैसे नहीं, जैसे मैंने सोचा था कि मेरी दुल्हन दीपिका ऐसी लगनी चाहिए, उससे भी ज़्यादा उस दिन ये खूबसूरत लग रहा है। थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। जी एक लड़की की जिंदगी में काफी बड़ा मोमेंट होता है। जी व्हाट आर योर फीलिंग्स ऑन दिस, एंड कह सकते हैं कि दिल वाले आज ले जाएंगे? दो दिल मिल गए ये कह सकते हैं, दो दिल मिल गए। और बोलो। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि हमारा डिसीशन कि हम वापस शोएब के गांव में जाके पूरा निकाह करेंगे, सारी रस्में करेंगे, वॉज द बेस्ट। उससे बेटर हम कुछ कर नहीं सकते थे, बिकॉज मुझे वहाँ पे जितना स्पेशल फील करवाया गया है इन टर्म्स ऑफ ऑल द रिलेटिव्स एंड स्पेशली हिम एंड माय एंटायर फैमिली, सबा एंड अम्मी पापा एवरीबडी, मतलब मुझे एज अ ब्राइड मुझे जितना स्पेशल फील हुआ वहाँ पे, मुझे नहीं लगता मुझे वो लाइफ में कभी भी हो सकता है। एंड एक उसका नेगेटिव भी है कि अभी मैं शोएब से खुल के झगड़ नहीं पाऊंगी, बिकॉज ही इज एक्चुअली मेड मी फील वेरी गुड, सो आई ओ दैट टू हिम फॉर द रेस्ट ऑफ माय लाइफ। ठीक है ना, शुरुआत में तो करनी पड़ता है, बाद में तो घर की मुर्गी दाल बराबर होगी। तारीफ कर रही हूं कम से कम, अभी तो मुझे सपोर्ट करो। देखो मेरी आवाज भी फट गई, पहले फटी हुई थी। तो दीपिका शादी के बाद नाम चेंज होगा या फिर दीपिका ही? देखिए मैं आप सबके लिए दीपिका हूँ, मैं आप सबके लिए दीपिका रहूंगी। नहीं शोएब नाम में क्या रखा है? उसके पीछे पूरी स्टोरी क्या थी? ओके, उसके पीछे जो पूरी स्टोरी है गाइस, दैट इज समथिंग वेरी पर्सनल। वो मुझे पता है, मेरे पेरेंट्स को पता है, मेरे हस्बैंड को पता है, मेरे इन-लॉज को पता है, मेरी इस गुड़िया को पता है, एंड वो बहुत पर्सनल है तो मैं उस स्पेस में और किसी को एंटर करवाना नहीं चाहती, सो प्लीज बेयर विद मी। एंड आल्सो दीपिका, आपने काफी पिक्चर्स शेयर किए जब आप खेत में गए, डीडीएल जी वाला पोज भी हुआ था, उसके बारे में कुछ बताइए। आई थिंक वो शुरुआत बहुत अच्छी हुई थी हमारी पूरी वेडिंग की, बिकॉज हम जब ट्रैवल कर रहे थे, जब हम बाय रोड जा रहे थे कानपुर से मौदा, तो वो सारे खेत हमने देखे एंड हम दोनों के दिमाग में आया था कि हम दोनों बहुत फिल्मी है, वो तो आप लोगों को हमारे डब स्मैशी से पता ही होगा। और हम दोनों जेन्युइनली शाहरुख काजोल के बहुत बहुत बड़े फैन, तो जब वो खेत दिखे ना तो हमें सिर्फ डीडीएलजे की याद आई, हमें और कुछ नहीं याद आया, इसलिए हमने बोला चलो मौका है तो ट्राई मार ही लेते हैं। जब जब मुझे कोई भी ऐसा मोमेंट दिखता ना जहाँ मैं शाहरुख को रिप्लिकेट कर सकता हूँ, मैं मौका नहीं छोड़ता। हाँ बिल्कुल, बाय द वे इनके वो टाइमिंग के चक्कर में मैंने 3 बार रिटेक किया। एक बार, 3 बार, चलो ठीक है, दो बढ़ाना अपनी तरफ से बनता है। उस दिन गुलाब जामुन खा के गई थी ना, थोड़ा सा बराबर करना था ना, इसलिए। ओके, एंड आल्सो दीपिका आपने चेन्नई एक्सप्रेस वाला भी सीन किया था जब आपकी ट्रेन चलने वाली थी? नहीं, लेकिन हमने वो गलत कर दिया, शोएब इसलिए उनको चेन्नई एक्सप्रेस लग गया, कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट टाइम फिर से करेंगे। एंड आल्सो दीपिका वी टॉक अबाउट दी हल्दी, तो हल्दी के वक्त कितना मजा आया, बिकॉज वहाँ पे काफी देसी तरीके से मनाया गया। बहुत, जैसा कि मैंने कहा, मुझे हमारी पूरी वेडिंग निकाह सारी रस्मों में सबसे खूबसूरत बात यही लगी कि सब कुछ बहुत देसी वे में हुआ। तो इनफैक्ट जो हमारे सारे फ्रेंड्स, हमारी पूरी फैमिली भी साथ में चली थी, उनका भी यही था कि ये शादी की मेमोरीज बहुत समय तक हमारे साथ रहेगी, बिकॉज हम लोग ठेठ गांव में थे एंड हमने बहुत देसी तरीके से सारी हमारा मेन मकसद ही वही था, हमारा मेन मकसद वही था शादी करने का, मौदहा से, मेरे नेटिव प्लेस से। चाहते तो हम कहीं भी कर सकते थे, हम किसी भी, हम गोवा भी जा सकते थे, हम राजस्थान भी जा सकते थे, लेकिन आज उनके चेहरे पर जो खुशी थी उस वक्त कि हम कहीं भी पहुँच गए हैं, कुछ भी बन गए हैं, लेकिन अपने रूट्स को हम नहीं भूले हैं और ना ही कभी भूलेंगे इंशाल्लाह। तो हमारा मेन मकसद होता कि हमें वहीं जाके शादी करनी है। और जब वहाँ पे मेरे 6 मामा नानी, और जब वो बोलते थे ना कि बेटा तुमने हमारा सीना चौड़ा कर लिया, वो मेरे लिए सबसे प्राउड मोमेंट था एक्चुअली।
अच्छा शोएका, आप दोनों से ही जाना चाहेंगे, काफी प्राइवेट तरीके से शादी रही है, ज्यादा फ्रेंड्स नहीं आ पाए थे शादी में, तो क्या कहना चाहेंगे? वो काफी प्राइवेट मोमेंट रहा, इसीलिए यहाँ ये है। जो वहाँ नहीं आ पाए थे वो यहाँ पे आ जाएंगे। एक्चुअली बिकॉज सबको वहाँ पर ले जाना, इट्स अ वेरी स्मॉल कस्बा जहाँ हमारे जाने की बहुत ख्वाहिश थी, तो क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में सबका एक तो टाइम कंस्ट्रेंट बहुत होता है, सब अपने अपने काम में बहुत बिजी होते हैं, बट मुंबई के सारे फ्रेंड्स हमारी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, तो ताकि हम उन्हें ना अवॉइड करें इसलिए हमने ये रखा है, और वहाँ पे जो एकदम फैमिली थी उन सब ने जाके बहुत धमाल किया है। आप मुझसे गलत सवाल कर लिया, एक्चुअली मैं आज सुबह अपने घर पे उठ के आई हैव एक्चुअली क्राइड बिकॉज आई मिस द विलेज सो मच, आई वाज लाइक मुझे वापस जाना है, मुझे नहीं पता। वो उठ के खाला के घर पे छत पे चले गए, हम लोग वहाँ पूरा टाइम पराठे अचार सब खा रहे हैं, मस्ती मार रहे हैं, मुझे तो बहुत ऐश करवाई है भाई सबने, एकदम ब्राइड की फीलिंग दी है। अब यहाँ कल से वही सब शुरू हो जाएगा, हमारे गांव का मजा, अब बीवी वाले काम मुझे शुरू करने पड़ेंगे। दीपिका पादुकोण ने मस्तानी का रोल किया था और आज दीपिका मस्तानी से कम लगे, तो शोएब क्या सोचते हैं? हाउ स्वीट, थैंक यू शोएब, सम मोर प्लीज। बाल बाल कटवा के मूंछ लगा बकानी पड़ेगी बाजीराव बनने के लिए। ओके दीपिका, इफ यू टॉक अबाउट द ज्वेलरी कॉस्ट्यूम, काफी गर्मी थी गांव में, तो आपने उसको किस तरीके से मैनेज? अरे मौसम बड़ा अच्छा था वहाँ पे, गर्मी मुझे, हम लोगों यहाँ गर्मी लग रही है, हम यहाँ गर्मी, वहाँ का मस्त चाय भी ठंड होती है ना, आय हाय, मतलब क्या तो मौसम था, क्या तो माहौल था। बाकी मेरे दोस्तों से आप पूछ सकते हैं, इतना मजा आया उन लोगों को, हम तो रो ही रहे थे साथ में, सारे छह के छह बोल रहे थे आने से। मौसम की बात करो, इतने प्यार से मेरी बात कर लिया करो, आय हाय क्या मौसम था, ऐसे तरह मेरे लिए बोल दिया करो, तुम भूल गई पहले भी तुम्हें तारीफ की ना। बट या जब आपने वो टॉपिक निकाला ही है, सो आई वुड एक्चुअली स्पेशली लाइक टू थैंक आलिया, आई थिंक शी इज़ डन आर एटलीस्ट माइन, मेरी सारी कॉस्ट्यूम्स उन्होंने की, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू हर, बिकॉज जैसा मैंने अपने आप को इमेजिन किया था कि मैं ऐसी लगूंगी, मैं बिल्कुल वैसी लगी हूँ, इनका मुझे पता नहीं, अब आप लोगों के सामने तो उन्होंने तारीफ कर दी, एक डेढ़ हफ्ते बाद असलियत बाहर निकलेगी। एंड ये जो माशाल्लाह आज बड़े अच्छे लग रहे हैं, वो काल की फैशन का कमाल है, तो ठीक है मेरे साथ मैच करने के लिए 19-20 दे दिया है, बट गर्ल्स रूल ना। ओके लास्ट, आई नीड अ लाउडर, यस यू आर अ गर्ल। ओके लास्ट, शायद अपने हाथ पे जो आपने दीपिका का नाम लिखा है, दिखा दिखा अच्छे से दिखा, और ऊपर ऊपर नहीं लिखा तो दिल पे है बहुत टाइम से, उस दिन हाथ पे लिखना था, मजबूरी हो गई, मजबूरी नहीं, रसम है बेसिकली मेहंदी की, हाथ पे लिखना था, मतलब ये लिखवाने के लिए उन्होंने बहुत बहुत ज्यादा इसे जद्दोजहद की, अच्छा लिखवाना पड़ेगा, अच्छा लिखवाना पड़ेगा, तो आई वाज लाइक हाँ लिखवाना पड़ेगा। ओके आई जस्ट प्लीज ये रख लेना गाइस, उड़ाना मत, एडिट मत करना। शादी एक कपल की लाइफ का बहुत बहुत अहम हिस्सा होता है, एंड स्पेशली पीपल हु गेट कनेक्टेड टू द वेडिंग, मैं उन्हें स्पेशल थैंक्स कहना चाहती हूँ। टू बिगिन विद, आर कार्ड वॉज मेड बाई पुनीत, एंड आई थिंक उन्होंने बहुत खूबसूरती से हमारा थॉट, हमारा थॉट, हमारे मतलब वो कार्ड मुझे और शोएब और हमारी स्टोरी को एकदम परफेक्टली डिस्क्राइब करता था, तो आई एम वेरी थैंकफुल टू पुनीत फॉर डूइंग दैट, एंड माय मेकअप एंड हेयर टीम, मेघा, मुकेश, सुहास, एवरीबॉडी, माय फ्रेंड्स आलिया हु हैज डन आवर कॉस्ट्यूम सो वेल, माय एंटायर फ्रेंड्स ज्योत्सना, पलक, आशु, एवरीबॉडी, एंड वन पर्सन जिसने मेरी बहुत डांट खाई है, आई एम सॉरी, और फिर भी सारा बोझ अपने कंधे पे उठाया है। सो एंड ऑफ कोर्स द एंटायर मीडिया, जिस तरह से मैं आपको क्रेडिट दे दो यार, वो तो के बिना शायद क्या क्या नहीं होता, और सारे फैंस जिन्होंने हमें पूरे हफ्ते पर जो सपोर्ट किया है, प्यार दिया है, उसके लिए बहुत 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 शुक्रिया, और मैं हमेशा बोलता आया हूँ कि आप लोग हैं तो हम लोग हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, यू एक्चुअली सपोर्टेड अस थ्रू आउट द वेडिंग, थैंक यू सो मच, सो मच गाइस, थैंक यू, थैंक यू सो मच।